नमस्कार बंधुगण, मु सुब्रकांत आपण समस्त स्टडी स्पंदन चैनल को स्वागत जनावे। आज आम दशम श्रेणीपाई प्रकाशित नूतन साहित्य बही से स्थानित पाई काठ गल्पटी को पढ़ा जहाँ रचना करिसंदी बसंत कुमार शतपथी। आधुनिक ओडिया गल्प साहित्य रे बसंत कुमार शतपथी अवदान अतुलनीय। जड़े रम्य कथाकार भाव में ओडिया गल्प साहित्य रे साधारण गल्प अपेक्षा संस्कारनिष्ठ तथा रुंधी हो जा हृदय को खोलीदेपी गाल्पिक बसंत कुमार शतपथी प्रयास स्वतंत्र मने हुए। आलोच्य काठ गल्पर आधुनिक मनीषर जो तार स्वार्थ एवं सठतार चित्र तथा समाज निम्न वर्गर लोक मान सरलता और स्वाभिमान स्वरूप संपर्क में प्रदर्शित हो तेणु आसतु आम जाणी भिडियोटी पूरा देखा। भल लगे लाइक करवा, कमेंट्रे जन केमी लगला, आ वीडियो देखुवा अन्न्य सांग मध्य रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करदे। तेज आसतु आम आरंभ करवा। बहु तर्क वितर्क पर निष्पत्ति है चीरा काठ किणवा अपेक्षा गोदाम गोटाए गड़ा मुंडा काठ कि घरे चीरवा लाभजनक हो। तदनुजाई भारत काठ गोदाम दुई क्विंटाल गंडी काठ ठेला गाड़ी आनी घर सामना पड़िया पकईदेली। गोदाम बाला कहला ए जो शुकिला मुंडा देखुं दुई बर्षर पुणा सुखी ठन ठन करुची ध काठ चिरीदे बारुद पर जल बार टा क्विंटाल कम दाम नेब तो साल गंडी अच्छी कंचा पड़ छेली अच्छी धूआ हेब। जंगल राज्यर लोक मु जाणी कौ काठ केमी जले बेसी दाम पड़ु पछके फुरुफुरु हो जल्वा काठ को पसंद कली। घर कोण से अलंधु जमीव ना कि धूआ पंखा गुड़िक कला हेब ना कि आज को हप्ता है काठ जोटे से पड़ी चीरा हेबार ना गंध ना कौन पर्व जो सांतालंग देखा दर्शन मिलूना ताकर हांडिया खिया कुकुड़ा लड़े धुमुसा मादल सर ना मो काठ चीरा हेब एणे घरे फाड़िया बोली काठ ना काठ कटा हेले जला जीव। आज रविवार बेल नौटा है प्रचंड कणी कणी शीत सांग को हिमालय पवन बारंडार आराम चेयरटा पकाई खरा को पिठी कर बसी थाए। खबर कागजरु आदिवासी मानक गत 30 वर्ष धरी आमे कौन कौन करिचु तार विवरणी और हिसाब किताब अनुध्यान करुथाए। हठात मुती भो भो भुकि उठिला चमकी पड़ी देखिली कांधरे कुराड़ी पकाई गोटे दर बुढ़ा काठ चिराली सड़करु मो आड़ को ढली ढली आसुची। सीधा सामना को आसी से पचारा काठ काटिबू बाबू। मने मने भाविली वर्ष वर्ष धरी कोटी कोटी टंका खर्च करी एमानु को आमे सक्षम कराइबार चेष्टा कलु सिना लाभ किछि हेलानी भाषा टिके भी सिखाई पारिलुनि। कहुची कौन ना काठ काटिबू बाबू कि क्रिया कि कर्ता खतई होई तारी गला अनुस्वर अनुसकरण करी कहली हाँ हाँ काटिबी काटिबी केते नबू। से काठ आड़ को चाहिला कहला दुई क्विंटाल हबो गोदाम तो बाबू आम को दुई टंका करी दौची क्विंटाल यही बजारटारे गुटे दरना दुईटा तु चार टंका दबू आर केते नाई नाई चार टंका हबनी मते बहुत पड़ जाऊची साढ़े तीन देवी काठ बेला ना 24 ठेला बेला ना 4 तू नबु 4 32 पड़ा गैस चूली तो बरम सस्ता हे तीन टा आठणारू काटबू तो काट ना चल जा ना चल जा। से कल घर कहला तू भी बाबू एमती काठुआ हबु तो आमर गरीब लुक बंच केमी चारणा आठणा नागि आमर संगे झगड़ा करू ते भगवान बड़ लुक कर केते पैसा तोर कुआड़े चली जाऊँगी आमर गरीब नुकर पेटर काटले तोर पेट पूरब गोदाम बाला गोदाम रे चाबी दे करी पहाड़ को गेला बुली तोर एठा को आसी नहले कॉलेज जे जीवन रे पैसा टे रोजगार करना दरजा पाखे छिड़ा हुई शुणुला हठात तरल जाई कह पकला हेला हेला चुप कर आउ चारिणा नबु पुआ आड़ को कटमट चाहे इंग्राजी कहली पैसा तो ते सस्ता है देखी था से काटी था कि नाई
କାଠ କଟାଳୀ କହିଲି, ଯା ଯା ଏଥର କାଠ, ପୁଅ ତ କହିଦେଲାଣି। ଦୁଇ ପରସ୍ତ କରି ଘୋଡ଼ିଥିବା ଅଳପ ଓଷାର ନାଲି ଧଡ଼ିର ଶାଢ଼ୀଟାକୁ ସେ ଦେହରୁ କାଢ଼ି ପାଖ ବେଗୁନିଆ ଗଛ ଡାଳରେ ଲଟକାଇ ଦେଲା। କାନିର ଗଣ୍ଠି ପିଟାଇ ଦୋକତା ଚୂନ ବାହାର କରି କୋଳରେ ଜାକି କୁରାଢ଼ି ଧରିଲା। ବୟସ ଓ ଚେହେରାରୁ ତାର ପାରିବାର ପଣିଆରେ ମୋର ଘୋର ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ଭାବିଲି ଲୋଭରେ କାମ ଧରିଛି ସିନା, ଦୁଇ ଦିନ ଲାଗିବ କାଟିବାକୁ। ଗୋଟାଏ ଗଡ଼ ଉପରେ ଲମ୍ବେ ଲମ୍ବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଣ୍ଡି ରଖି ମାରିଲା ପ୍ରଥମ ଚୋଟ। ପ୍ରାୟ 2 ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ କୁରାଢ଼ିଟା ଭେଦିଗଲା। ଟାଣି ବାହାର କରିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ତାକୁ। ପଚାରିଲି, ଏ କାଠ କେମିତି ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଜଳିବ ନା? ସେ କହିଲା, କାଠ ଭଲ ଯେ ବାବୁ, ହେଲେ ତର ନାଭ ମୋର ନୁକସାନ। ଦେଖନା କାଠ କେମିତି ବାଜୁଆ ଗଣ୍ଠିଆ, ଯେତିକି ଚେମ୍ବଡ଼ ସେତିକି ଟାଣ, ଧ କାଠ ବାବୁ କୁରାଢ଼ି ବାଙ୍କି ଯିବ। ଆମର ଗୋଦାମରେ ତ ଏଗା 2 ବରଷ ପଡ଼ିଥିଲା, କେହି ନେଲା ନାହିଁ, କେହି କାଟିତେ ଖୁଜେ ନାହିଁ, ଭଲ ଜଳିବ। ହେଲେ ଯିଏ କାଟିବ ତାର ହାତ ଫୁଟୁକା ହୋଇଯିବ, ଚମଡ଼ା ଛାଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ପାହାରେ ଦେଲା, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ମାଡ଼ ବସିଲା। ପୁଣି ପାହାରେ ଫାଳିଏ କାଠ ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଛିଟିକି ପଡ଼ିଲା ଘୁରି ଘୁରି। ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା ନକରି କହିଲି, ଏତେ ବଡ଼ ଫାଳ କରିବୁ ନାହିଁ, ଆମର ଚୁଲି ସାନ, ଆହୁରି ଛୋଟ ପତଳା କରିଦେ। ତାତ୍ସଲ୍ୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ସେ କହିଲା, ଏ ବାବୁ ତୁ ଚୁପ୍ କରି ବସିଥା ନା, ଦେଖ ମୁଁ ଠିକ୍ ସାଇଜ୍ କରିଦେଉଛି କି ନାହିଁ। ଏତେ ବରଷ ଆମ ବଜାରକୁ ଆସିଲା, ତୋର କାଠ କି ରକମ ଦରକାର ଜାଣେ ନାହିଁ ଭାବିଛୁ? କୌତୂହଳୀ ହୋଇ ପଚାରିଲି, କେତେ ବରଷ ହେଲା ବଜାରକୁ ଆସିଲୁ, କେଉଁଠୁ ଆସିଲୁ? ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମୋର ଘର ବାବୁ, ବେତନଟି ପାଖରେ। ଯୁଦ୍ଧ ନାଗିଲା ବରଷ ଆମର ରେମୁଣାକୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଦେଢ଼େ ଡାହାଣୀ ଦେବତା କଞ୍ଚା ଖାଇଦେବେ। ମୋର ଡଗର ଡାଗର ପୁଅ ଦୁଇଟା ଆର ଆଗ ତିର୍ଲାଟା ଏକା ଦିନରେ ମରିଗଲେ। ଜମି ଜାଇଗା ଖୋଳିତାଡ଼ି ଯାହା କରିଥିଲା ସବୁ ତୁମର ହାଟୁଆମାନେ ନେଇଗଲା। ସରକାରଙ୍କଠୁ ଜମି ନେଲୁଣୁ? ସରକାର ଘର ଜମି ସବୁ ଦେଉଛି, ତୋର ତ ଜମି ଜାଇଗା ଘରଦ୍ୱାର କିଛି ନାହିଁ। ଦେ ନା ବାବୁ, ଘରଦ୍ୱାର ଜମି ଜାଇଗା କରାଇ ଦେ, ଦେଖେ କେଡ଼େ ଅଣ୍ଡିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଛୁ। ଆମର ଯେତେ ନୁକର ଘର ଜମି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଲେ ତୁମର ମାନେ କି କରିବ, କାହିଁ ରହିବ? ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇଛୁ? ଏ ବାବୁ, ପାଠ ସାଠ ତାକୁ ପଢ଼ାଇଲେ ତୋର ସଡ଼ପ କାମ କରିବ କିଏ, ଜମି ଚଷିଦେବ କିଏ? ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା, ତୁମର ମାନଙ୍କର ସିନା ବାବୁ ବେଶୀ ଛୁଆ, ଆମର ଜାତିରେ ଜଣକା ଗୋଟେ ନହେଲେ ଦୁଇଟା, ତୋର ତିରିଲା ଛୁଆ ପିଲା ତ କାମଦାମ କିଛି କରେନି, ସେଇ ନାଗି ତ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ, କଟେଇ ହେଉଛୁ। ଏଥର ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା, ହେ ବାବୁ, ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମହାରାଜା ଗଲାଠୁ ଆର ତ ରାଜା ନାହିଁ, ଖାଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ ଯାଉଛନ୍ ନାହିଁ। ଭାବିଲି ଏକ ଭାଗିଆ ମୂର୍ଖକୁ ହିତ କଥା ପଚାରି ବା ଶୁଣାଇ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋ କାମ ଧିମେଇ ଯାଉଛି। ତେରୁ ତା କାଠକଟା ଚାତୁରୀ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲି। ପୋଖତ ସମାଲୋଚକ ଯେମିତି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ଆଧୁନିକ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଅବୋଧ୍ୟ କବିତାକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ ବିଶ୍ଲେଷଣ କରି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସାରତତ୍ୱ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତି, ଏ କାଠୁରିଆ ବି ସେମିତି ଅତୀବ ଆଗ୍ରହରେ ଗ୍ରନ୍ଥିଳ ଶିରାଳ କାଠକୁ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରି ମଞ୍ଜ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ଭଗବାନ ତାର ଶିରାପ୍ରଶୁରାର ରକ୍ତମାଂସକୁ ଏମିତି ନୈସର୍ଗିକ ଶକ୍ତି ଦେଇ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଜୀବନସାରା ଏଇ ବୃକ୍ଷରାକ୍ଷସ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କାଟି ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିବ। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଅଧାଅଧି କାଠ ଚିରିଦେଲା। ଗତଥର ତାରି ଜାତିର ଲୋକଟା କାଠ ସବୁ ମୋଟା ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କରି ଚିରିଦେଲା, ମାସେ ଜାଗାରେ 28 ଦିନ ଗଲା। ଏଥର କାମ ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଜଗି ବସିଛି, ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତା ପାଖକୁ ଯାଇ କେତୋଟା ଫାଳ ଅଲଗା କରିଦେଇ କହିଲି, ଏଗୁଡ଼ାକ ପତଳା କରିଦେବୁ। ଯଦିଓ ସେଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲା, ଲୋକଟା କ୍ରମେ କ୍ରମେ ଥକି ହାଲିଆ ହୋଇଗଲାଣି ବୋଲି ମୋର ଭୟ ହେଲା। ପ୍ରତିଥର ଚୋଟ ସାଙ୍ଗକୁ ତା ପାଟିରୁ ଏ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁଥିଲା। କୌତୂହଳବଶତଃ ତା ହାତରୁ କୁରାଢ଼ିଟା ନେଇ ଉଠାଇଲି। ବାବା କିଡ଼େ ଭାରି, ଥରେ କାଠଗଣ୍ଡିରେ ଚୋଟେ ପକାଇଲି। ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳର 8 ଆଙ୍ଗୁଳି ଦୂରରେ ଠିକିରି ପଡ଼ିଲା କୁରାଢ଼ିଟା। ପଚାରିଲି, କେତେ ଓଜନ ଅଛି? ଢିମା ପଥର ଗୋଟାକରେ କୁରାଢ଼ି ମୁନ ପଜାଉ ପଜାଉ ସେ କହିଲା, 2 କିଲୋ ନୁହାରେ କରିଛି ବାବୁ, ଗୁଦାମରଟା 2 କିଲୋ ଆର ଅଧେ। ପଚାରିଲି, ବାର ବାଜିବ, ଆଜି ସାରିପାରିବୁ ତ? ତୁଇ ତ ବାବୁ ଖାଲି ବକର ବକର ହେଉଛୁ, ତୋର କାମ ତୁ କର,
तोर काठ केते टाण देखिलु जे देखिली तार पेट पिठी एकाठी लागि जायछि मो पेटर जेते चर्बी तार सहे भागरु भागे भला तार थांदा भूल रे पाटीरु बाहरी पड़ला सकाळु सकाळु की खाई करि आसीछु गरीब नुकर घरे की अछि जे सकाळु उठि बसि करि खाइबो खाली तोराणी कंसाए पी कर दे पी करी आसी तला आ छुआ दीटा पखाल मुठाए मुठाए खाई करी सड़प काम को गला रोसाई घर आड़ आसुवा महक सुंगी मुढ़ी आउ कसा मांस खाई बोली घर भितर को गली चाकर पिला चैतन्य कहला बापा ताकू रुटी दीटा दबा बड़ी कुकुर को देलु नई एत रुटि करजु कहीं रुटी दी खंडर दाम चारणा से सही चारणा छाड़ू ना परा काली सका रुटी बापा असरपा बुली जाइछन्ति कुकुर भी छुईला ना बाहर को आसी मुढ़ी कसा मांस पाटी पकाई पकाई सराधार पचारि रुटी खाइबु रे दबु तो दे बाबू तोर छुआ पिलार पेटर बलुची जदि रुटी और एल्युमिनियम पाइखाना लोटारे पा चैतन्य थोदेगला पंपड़ चोबाइला रोटी दुईटा कड़कड़ चोबाई ढक ढक कर पा लोटा को पीगला से एवं लोटा को पाउँसरे माजी सफा करदेला एवं पुणी चूनदकता पाटी को पकाई शेष प्रस्त काम धोला कहली देख मु भात खाइबा को जाउची काठ सबू घर भितर को बोही देबू जदिओ काठ बोहिबा काम तार नुहे मोर किंतु से किंतु तदंडे कहला ए बाबू मु काटिबी तुई बोइबू कुकुरटा बांधि दे काठ घरटा देखा चैतन्य कुकुर बांधि काठ घर देखाइदेला गाधोई पाधोई रविवारिया गरिष्ठ भोजन पर सिगारेट लगाई अगणा को जाई देखिली काठ सबू बढ़िया सजा होई साइता होई बाहर को जाई देखिली इंचे दि इंचिया टुकुरा काठ सबू भिणी होई पड़ी गोटाए आणिले प्राय आठणार काठ बाहर बिना किरोसिन रे चुली धराई हेबो निजे झुड़ी और झरका आनी सॉरी निजे झुड़ी और खरका आनी ता हाथ को बढ़ाई दे कहली चेना चोपड़ा सब भल करी खरिकी गोटाए दे कुकुर पादरे पशिजीव से एटी खेले बिना ओजर आपत्ति से काम भी से कला एवं बेगुनिया गछर ओढ़ी आनी कुराड़ी कांधरे पकाई छिड़ा हेला पाउनार आशार दी खंडी दी टंकिया नोट ता हाथ को बढ़ाई दे कहली दे चारणा पैसा असहाय चखीर चाहे से कहला मोर पाखरे पैसा कहीं बाबू खाली हाथटार तो सकाळु घर आसला मो घरे खुचुरा दे नथिला ता नुहे किंतु पंचस्तरी पैसा दौची किए कहली गोटाए नोट नहीं बजार रु भंगे आण आज रविवार परा बाबू दुकान बजार सब बंद जे चारणा पैसा था मोर उपर आर मसकू कटे नबु ना ना से कथा हे ना तू आसबु न आसबु कि विश्वास हांडिया खाइले आखि जमी लाल हुए सेमती आखिरे से मो आड़ चाह जुग जुगर संचित तापाक्रोध विस्फोरण करीगला कि कहलु बाबू कि विश्वास एत बेले जाए मत टेकाटेकी कर भूले चूले तोर सब कम आदाय करेलु मोर जमी जगह भी सब तुम मान ला मोर नकरिबा काम भी करदेली दुईटा सुखिला रुटी देली जे भाभी ढेर देलु कहूँ कि विश्वास आमर कि मणिषर ना बणर भालु होचे पैसार बड़ नुकी देखे हो तोर चलाकी सब बुझीची ने तोर पैसा नोट दुईटा मो आड़ फड़फाड़ फोपाड़ी दे मुह थमथम कर एक मुहा फाटक पारि हो सड़क धोला तार रुद्रमूर्ति देखि से ही मुहूर्त में उपलब्धि कली ए लोकटा को सजाग सचेतन कर चाड़ी उस्काई मु बड़ भूल करदी से बुझिपार एजावत ता प्रति मोर आचरण और व्यवहार में आत्मीयता आंतरिकता न थी थिला खाली स्वार्थ और प्रतारणा तेबे से हुए तो उत्त्यक्त और उत्क्षिप्त हो बुली पड़ आउ गोटे ध काठगड़ रहीगला भाभी दुई के जिया कुराड़ी हुए तो मोर छाती मुंड को चिरी दुईफाड़ करदेव ए भयावह परिणति कल्पनार आतंकित हो तत्क्षणात चैतन्य हाथ में नोट दुईटा देवाई पठाइली घर भितर को तरबर में पशियासी पशिकर कबाट बंद करदेली सर्वांग झाड़े बुड़ी जाए ताल या काठ गल्प जहाँ कि आम लिखिंट बसंत कुमार शतपथी अति सुंदर भाव में वर्णना कर स्वार्थपर मनीष एवं सरल मनीष भितर जो तफात ताकू देखते आशा करे गपटी आपण मानक भल लगी आपण मैंने भिडियोटी पसंद करें तेज लाइक करेंगे कमेंट करेंगे आ
ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।